आज का हमारा टॉपिक है रोटेशनल वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ये हमारा एमएससी फर्स्ट पेपर फोर्थ का लेक्चर थ्री है। इससे पहले हमारा लेक्चर वन और टू अपलोड हो चुका है, प्ले लिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। उसका लिंक हमारे वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। इसमें लिखा गया है रोटेशनल वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। मैं सपोज एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, ये मेरा एक मॉलिक्यूल है। यदि मैं इसको एक्सटर्नल एनर्जी देता हूँ तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे और एक्साइटेड लेवल पर चले जाएंगे। तो एक्साइटेड होने के पहले इसमें कौन से लेवल रहेंगे इसको हम इसमें देखते हैं। जैसे मैं मान लूँ मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, ये एक एनर्जी लेवल हुआ जिसको मैं ग्राउंड जी जी से डिनोट कर दिया हूँ। अब यदि मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है तो इसको मैं जूम करूँ ऐसे, तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होंगे। अब यदि इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को मैं और जूम करूं, ये आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, इसको मैं जूम कर रहा हूं और, तो इसमें बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल होंगे। मतलब प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक लेवल के पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होंगे और प्रत्येक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल प्रत्येक उसके बाद रोटेशनल एनर्जी लेवल होंगे। तो इसी का हम देखेंगे कि कैसे कैसे रोटेशनल एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल बटे होते हैं। इसमें हम तीन कंडीशन पढ़ेंगे जिसमें हमारा रहेगा पहला, दूसरा, तीसरा। पहले हम देखेंगे जब हम मॉलिक्यूल को माइक्रोवेव दे रहे हैं, दूसरा रहेगा हमारा जब हम मॉलिक्यूल को इंफ्रारेड दे रहे हैं। ये हमारा रेडिएशन है, माइक्रोवेव रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन और लास्ट हमारा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो इस केस में हमारा मॉलिक्यूल ओनली रोटेट होगा, रोटेट होगा तो हमारा क्या मिलेगा, रोटेशनल एनर्जी लेवल। इस केस में हमारा मॉलिक्यूल वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होगा तो हमारे क्या, हमें क्या मिलेगा, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। इसमें मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल देंगे। तो आगे हम देखते हैं, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल का डायग्राम है जिसमें इतना हमारा ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेवल में आ रहा है। अब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक लेवल में बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल भी होंगे, तो ये वाला हमारा ऐसे ऐसे मैं लकीर खींचो, इसमें ये एक हुआ हमारा और ये वाला दो हुआ, ये दोनों हमारे कौन से लेवल है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। इसको मैं वी जीरो मतलब ग्राउंड स्टेट हो गया, ये ग्राउंड स्टेट का वी जीरो हो गया ये, और ये वी वन से डिनोट किया हूँ, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। अब प्रत्येक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के पास रोटेशनल एनर्जी लेवल रहेंगे, तो इसको मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ, यहाँ से एक दो तीन, सपोज तीन रोटेशनल एनर्जी लेवल इस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के पास है वी जीरो के पास, तो इतना हमारा क्या होगा, वी जीरो होगा। ये इतना हमारा ऐसे वी जीरो है, अब ये इतना हमारा क्या है, वी वन है। अब वी वन के पास तीन तीन ऐसे रोटेशनल एनर्जी लेवल हैं जिसको मैं यहाँ डिनोट किया हूँ कि ये तीन हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल हैं, ये तीन हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल, जे इक्वल टू जीरो लिखा हूँ यहाँ, जे इक्वल टू वन, जे इक्वल टू टू। ये हमारा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। नीचे हम पढ़े थे ये हमारा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट था, ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक लेवल था, और ये हमारा एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक लेवल है। इसमें भी सेम वही है, कितना हमारा एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक लेवल है जो वाइब्रेशनल लेवल में ऐसे बटा हुआ है, इसको मैं वी जीरो डेज लिखा हूँ क्योंकि ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का वाइब्रेशनल लेवल है। इसको मैं वी जीरो लिखा हूँ, यहाँ वी वन लिखा हूँ, यहाँ मैं सिर्फ वी जीरो, यहाँ डेस नहीं लगाया था, यहाँ भी डेस नहीं लगाया हूँ, लेकिन ऊपर के केस में मैं डेस लगाया हूँ यहाँ, मतलब एक्साइटेड स्टेट को दर्शा रहा है ये। अब प्रत्येक वाइब्रेशनल लेवल के पास अपने रोटेशनल लेवल रहेंगे जिसको मैं जे जे से डिनोट किया हूँ, यहाँ मैं जे डेस लगाया हूँ क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट का है। तो यदि हमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पूछा जाए वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक का, तो हम ये पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे। यहाँ मैं नीचे लिखा हूँ एनर्जी लेवल डायग्राम शोइंग वेरियस मॉलिक्यूल एनर्जी लेवल्स। Yeah.